रियल लाइफ कपल अभय देओल और प्रीति देसाई अब रियल लाइफ कपल भी बन गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी फिल्म 1/2 की, जो जल्द ही होने वाली है रिलीज। रोमांस और कॉमेडी से भरी इस फिल्म पर स्टार कपल से बात की बॉलीवुड रिपोर्टर निकिता दलवी ने। हेलो, हाय, व्हाट्स 1/2? एकदम अनोखा टाइटल है इसका। ये कहावत को हम चाइनीज कॉर्नर या फिर ना चाय की टपरी पे करते हैं। यहाँ पे आपको एक टिकट की प्राइस में डबल मजा मिलेगा। वही है 1/2। सिर्फ एक ही फिल्म का मजा नहीं, दो फिल्म का मजा। आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, वो थोड़ा सिंबॉलिक है। हम देखेंगे फिल्म देख के कैसा सिंबॉलिक है। पर या आप देख पाएंगे कि यू नो इट्स 1/2, मतलब यू नो एक चीज दो लोग शेयर करते हैं, तो यू नो रोमांटिक भी हो सकता है। कितना मजा आया, बिकॉज सिंस यू ऑल अ रियल लाइफ कपल, कितना मजा था सेट्स पे भी रियल लाइफ प्ले करने वाला? आई थिंक शूट बहुत अच्छा गया हमारा, बहुत स्मूथ गया। सिर्फ हमने ही नहीं एंजॉय किया, सबने एंजॉय किया। इनफैक्ट हमारे जो कैमरा मैन, उन्होंने कहा कि पहली बार जिंदगी में मैं जब उठता हूँ ना सुबह, मेरे को दिल करता है काम पे आने के लिए। और हम सब कह रहे थे कि यार देखा, तोड़ करो, वो बिलीव नहीं कर रहा है कि मैंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया है। जिस तरह से प्रीति डांट रही है, घर पे भी ऐसे ही डांटती है कभी? हाँ, बहुत डांटती है मुझे। मैं क्या करूँ अभी, तो लाइफ पकावड़ है, पकावड़ लाइफ पकावड़ है। कभी कभी इस वक्त तो पकावड़ नहीं, नहीं नहीं, इसके साथ बिल्कुल नहीं। मेरे साथ तो नहीं ना, एक ही चीज पकाती है घर पे, वो है खाना। हाँ। क्या प्रीति खाना भी पकाती है? वाओ, क्या क्या पकाती खिलाती है? एक्चुअली सब उनका हेल्थी खाना होता है, जब ग्रिल्ड चिकन, सैलेड सब बनाते हैं, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स, ये सब होता है उनका, हेल्थी ईटिंग के साथ जाता है। पर्सनल लाइफ में तो ये सब, लेकिन सेट्स पे भी ऐसी ही थी, लाइक खाना पकाना है ना? हाँ, सेट्स पे मेरे डिब्बा बांध के लेकर आती थी ये। अजी सुनते हो, आपका खाना लेकर आई हूँ मैं। इज इट ट्रू? नो। वैलेंटाइंस डे आ रहा है, क्या खास प्लान्स है आपके दोनों के? सरप्राइज है वो भी, सरप्राइज है। कुछ तो आपको रिवील करना पड़ेगा। मैं क्या रिवील करूँ, सरप्राइज यही है कि मैंने कुछ प्लान किया इस वैलेंटाइंस के लिए। अच्छा, दिस टाइम इज नॉट पक्का। वो झूठ बोल रहा है एक्चुअली। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, इंटरव्यू के लिए बोल रहा है बस। मैं झूठ नहीं बोलता। देखो सी, नहीं हर रोज वैलेंटाइन डे है हमारे लिए, लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन आपको गिफ्ट तो मांग ही सकती हूँ हमारे व्यूअर्स के सामने। नहीं, मैं गिफ्ट में नहीं बिलीव करती हूँ। बस यू नो हम जो टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, वो ही इनफ है ना? ये बहुत बहुत लो मेंटेनेंस है। बहुत बहुत कम औरतें हैं जो मेंटेनेंस इतना कम लेती है ना? और ऊपर से बॉलीवुड में, और ऊपर से बॉलीवुड में। अब डर है मुझे कि 4 साल बाद क्या होने वाला है इसको। देखेंगे मेंटेनेंस कैसे रहेगी। 6 महीने दे। 6 महीने, चलो दिखा दिए अपने असली रूप दिखा दिए इसने अभी ऑलरेडी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।